क्या कहते हैं आपके सितारे, क्या कहती है ग्रह नक्षत्रों की चाल, क्या कहती है आपके किस्मत की लकीरें, कैसे दूर होंगे संकट और आएगा आपके जीवन में उजाला, खुलेगा आपके भाग्य का पिटारा। दर्शकों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं डॉक्टर संजय शास्त्री अपने यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज डॉक्टर संजय शास्त्री में आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आप सभी कैसे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और सबसे बड़ी बात कि जो दो नाम है जय श्री कृष्ण जय श्री राधे, इसका मेंशन जरूर कमेंट बॉक्स में करिए आप। इससे क्या होगा कि हमें आपका मैसेज मिलेगा और हम भगवान का नाम लेंगे और उस नाम लेने मात्र से हमारे लिए बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। दर्शकों, इस वीडियो में बड़ा मैं अद्भुत बात करने वाला हूँ। ये पांच राशि वालों की बात करने वाला हूँ जिसमें आपको ये मान के चलिए कि 2023 अप्रैल में आपको अगर आप 10 रुपया कमाते हैं तो आपको 100 रुपया कमाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप 1 लाख कमाते हैं तो 1 करोड़ कमाने से भी कोई नहीं रोक सकता। ये अद्भुत चमत्कार आपके लिए लेके आया है क्योंकि सूर्य अपने गोचर में मेजर परिवर्तन करने जा रहे हैं 14 अप्रैल 2023 से। और पांच राशि वालों के लिए तो समझिए कि साक्षात लक्ष्मी की वर्षा हो रही है, यश मान प्रतिष्ठा की वर्षा हो रही है। ये सभी पहलू पर हम लोग चर्चा करेंगे। दर्शकों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। और हाँ, अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए और नहीं पसंद आए तो अनलाइक करिए, कुछ करिए ताकि मुझे रहे कि आप मेरे से कनेक्टेड हैं, मेरे वीडियो से कनेक्टेड हैं और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपको दर्शकों पता नहीं है, जब आप लिखते हैं जय श्री कृष्ण जय श्री राधे मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ कि आपने भगवान का नाम साथ में लिया और मुझे खुशी होती है इस बात की। इसलिए आपके साथ मैं बहुत कनेक्टेड हूँ और मुझे बड़े प्राउड होता है कि आप मेरे से कनेक्टेड हैं, मैं आपके लिए और आप मेरे लिए हैं, मुझे खुशी होती है। तो दर्शकों, बिना समय गंवाए हम लोग इंटर करते हैं 14 अप्रैल 2023 ये कौन राशि है। तो सबसे पहला राशि है सिंह राशि, दूसरा मेष राशि, तुला राशि, मकर और कुंभ। मेष, सिंह, तुला, मकर, कुंभ, ये पांच राशि वालों के लिए बल्ले बल्ले, यानी कि बहुत ही अद्भुत बात। मेष राशि में मैं देख रहा हूं कि 14 तारीख से सूर्य मेष राशि में ग्रह गोचर में आए हैं और मेष राशि का मालिक मंगल हैं और मंगल और सूर्य आपस में मित्र हैं। ध्यान से समझिएगा दर्शकों, मेष राशि के स्वामी मंगल और सूर्य आपस में मित्र हैं और मित्र होने के कारण एक मित्र का घर में आना कहीं ना कहीं, और सूर्य आत्मबल के कारण है, पिता पक्ष के कारक हैं, नेम फेम के कारक हैं, यश मान प्रतिष्ठा के कारक हैं, ये सब में सपोर्ट करने वाले हैं। और मंगल भूमि भवन ब्लड शरीर में और इन सब के कारक मंगल हैं, इन सभी चीज़ों में मंगल का बड़ा अद्भुत व्यवस्था। और ये दोनों मित्र एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं तो ये बातें तो समझ में आ गई कि मेष राशि वालों के लिए 14 अप्रैल से अचानक ही नेम फेम यश मान प्रतिष्ठा जमीन जायदाद से रिलेटेड तरक्की और अचानक धन में वृद्धि, ये आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है। बरसों से अगर आप परेशान हैं किसी रोग के कारण तो आप बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित और कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। ये 14 अप्रैल से आपके लिए समय शुरू हुआ है जो सूर्य लेके आए हैं आपके लिए। गोचर में सूर्य परिवर्तन कर गए हैं यानी कि मीन राशि से वो मेष राशि में आ चुके हैं। और अब आपसे बात करने वाले हैं क्योंकि मेष राशि वालों के लिए ये सबसे अच्छा कि सूर्य आपको कोई नहीं रोक रहा है 14 अप्रैल से। आप सबसे ज़्यादा अगर आप कहीं काम करना चाहते हैं तो आप भूमि में, भवन में, कोई घर में, कोई जमीन में या कोई शेयर मार्केट में या कहीं भी आप पैसा लगाइए, आपको रिटर्न आएगा, ये निश्चित है आपके लिए, ये बहुत अच्छा होगा। अब मैं बात करने वाला हूँ स्पेशली सिंह राशि। सिंह राशि के मालिक अपने सूर्य और वहाँ से अगर देखें तो सूर्य अपने कुंडली में अगर हम देखें तो यहाँ पर सूर्य की स्थिति बना दें तो इनकम, आयुष, आय भाव में आपके इनकम स्थान में बैठ जाते हैं। और इनकम स्थान में बैठना एक बात को कंफर्म हो गया आपके लिए कि इनकम स्थान में जैसे ही सूर्य आते हैं आपके लिए चमत्कार ही चमत्कार लेके आ रहे हैं क्योंकि आय में वृद्धि। अचानक सूर्य अपने घर के लिए तो बहुत अच्छा करेंगे ना, तो आपको प्रतिष्ठा देंगे, नेम फेम देंगे और जो भी आप काम अभी तक कर रहे थे अचानक आप में चेंजेस आ रहा और बहुत
अद्भुत तरीके से आप सफल हो रहे हैं बिजनेस में, व्यापार में, क्योंकि सूर्य आपको कभी भी अपने घर के लिए कभी नुकसान नहीं करेंगे। और सिंह राशि के मालिक खुद स्वयं सूर्य हैं और इनकम स्थान में जाकर के बैठ जाते हैं, वो आपके लिए बड़ी सफलता का कारक रहेगा। तो आप इस महीने में 14 तारीख से अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। और हाँ, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको इन चीज़ों के कारण अपने आप को प्रेजेंट अच्छे से करने होंगे, आपकी पहचान अच्छी बनानी होगी, क्योंकि सूर्य उसमें आपको सपोर्ट करने वाले हैं। आलस छोड़ करके आगे बढ़ना होगा। अब फिर देखिए आप कैसे आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा इस महीने में 14 तारीख। अब आपके लिए बात करते हैं हम लोग स्पेशल तुला राशि। तुला राशि के मालिक जो है शुक्र है, और शुक्र सूर्य लग्न में है, और दृष्टि है तुला राशि आपके सातवें स्थान पे आती है। और इस हिसाब से अगर देखें तो ऐसे पता चलता है कि तुला राशि वालों के लिए अपने वाणी पर कंट्रोल कर लेना है, और वाणी पर कंट्रोल करते ही आप देखिए लक्ष्मी प्राप्ति से, धन वर्षा से आपके ऊपर कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सूर्य कह रहे हैं कि आप अपने वाणी पर कंट्रोल कर लीजिए और सफलता देखिए आप कैसे पाते हैं। तो आपके लिए 14 अप्रैल से आपको एक ही संयम करनी है, अपने वाणी पर कंट्रोल करना है, और फिर देखिए सफलता आपको कैसे। अब बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी हम लोग मकर राशि। मकर राशि के स्वामी शनि हैं और कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं। इन दोनों राशि के लिए भी धन वर्षा है, और इन दोनों के स्वामी शनि होने के बाद पिता जो सूर्य है उनके पिता है, और पिता और पुत्र की जब बात करें तो एक बात तो समझ में आती है कि पिता पुत्र के विचार नहीं मिलते, लेकिन पिता कभी पुत्र के लिए अहित नहीं करता। तो जैसे ही 14 तारीख से सूर्य अपने मेष राशि में परिवर्तन कर रहे हैं, ये आप मान के चलें, समझ के चलें कि आपको गाड़ी, गैस, फूड, पेट्रोल, ये कोई भी काम, विदेशों से लिंक, किसी तरह से कोई भी काम आप करना चाह रहे हैं, आपकी सफलता अचानक देखेंगे 14 अप्रैल से बदलते हुए देखेंगे अपने आप में। और लेकिन आपको थोड़ा सा चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जो बड़े हैं आपके उनका सम्मान करना होगा, उनके साथ बड़े प्रेम से रहना होगा, और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे धन वर्षा सूर्य करा रहे हैं। यानी कि पांच राशि वालों के लिए, मेष के लिए, सिंह के लिए, तुला के लिए, मकर और कुंभ, इन पांच राशियों को धनवान बनने से सूर्य मतलब और कोई ग्रह नहीं रोक सकते, सूर्य इतना स्ट्रॉन्ग गोचर में आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो आप अपने 14 तारीख का प्रतीक्षा करिए, और छोटे से इन पांच राशियों के लिए मैं एक छोटा सा रेमेडी शेयर कर रहा हूं, अगर इस महीने में आप कर सकते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि एवरी डे लगातार 14 तारीख से अप्रैल 38 तक आप सूर्य को एक तांबे के लोटा में जल भर के उसमें थोड़ा सा कुमकुम, लाल कुमकुम मिला करके सूर्य को गायत्री मंत्र के द्वारा अर्घ दिया कीजिए सुबह सुबह, और लगातार ये 15 दिन आप करके देखिए आपके भाग्य में कैसे चमत्कार होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।